कुमाऊं की प्रतिष्ठित धार्मिक संस्था हरि शरणम जन द्वारा 13 से 19 नवंबर तक एमबी इंटर कॉलेज मैदान हल्द्वानी में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान 111 कन्यादान विवाह समारोह के लिए भव्य पांडाल के निर्माण का कार्य मंगलवार को पुष्य नक्षत्र में आरंभ हुआ। संस्थान प्रमुख स्वामी राम गोविंद दास भाई जी ने बताया कि 60,000 स्क्वायर फीट का पीताम्बर रंग का विशाल पांडाल बंगाली कारीगरों द्वारा बनाया जाएगा, जिसमें हजारों मीटर कपड़ा बांस से लेकर कील भी नवीन इस्तेमाल होगी। कुमाऊं के पूरे नगर को भक्ति महोत्सव के रंग में रंगने के लिए 20 तोरण द्वार, 500 स्वागत द्वार एवं मुख्य मार्गों में पताका लगाई जाएगी। मैदान में बनने जा रहे विशाल पांडाल में 25,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था की जा रही है, जिसमें 4 से 5,000 कुर्सियां वरिष्ठ नागरिकों के लिए आरक्षित होंगी। विश्व प्रसिद्ध कथावाचक मृदुल कृष्ण गोस्वामी द्वारा कथावाचन प्रतिदिन दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे तक किया जाएगा। आनंद हाट के नाम से 50 दुकानें भी स्थानीय उत्पादों की लगाई जाएंगी। हल्द्वानी क्षेत्र में भक्ति महोत्सव के प्रति उत्साह देखते हुए हरि शरणम जन द्वारा सभी इंतजाम किए जा रहे हैं। जय सनातन, जय उत्तराखंड। ये हम लोगों ने इस कार्यक्रम का उद्देश्य रखा है। धार्मिक अनुष्ठान के रूप में भक्ति महोत्सव के माध्यम से हम इस हल्द्वानी क्षेत्र के सनातन धर्म के सभी अनुयायियों को लेकर के, किसी भी जाति के हों, किसी भी वर्ग के हों, किसी भी आयु के हों, हमारा उद्देश्य इतना है कि इस अनुष्ठान में बैठें आकर के और ये अनुष्ठान सर्व का बनकर जाए। साथ में ही 111 गरीब कन्याओं का इसमें विवाह किया जा रहा है 19 नवंबर प्रातः 9 बजे। ये आयोजन ऐसा है जिसमें पूरे क्षेत्र की बेटियों का विवाह हम लोग यहाँ पर निःशुल्क कर रहे हैं और सारी बेटियाँ विदा होकर के पूरे भारतवर्ष में जा रही हैं।